डियर स्टूडेंट्स, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म में आज का टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर द मियोसिस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात मेगास्पोर बनने की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। देखिए, मेगास्पोर मदर सेल जो कि एक डिप्लॉइड सेल होती है, द्विगुणित कोशिका होती है, उसके अंदर मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके पश्चात मेगास्पोर बनते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनने वाली जितनी भी कोशिकाएं होती है वो हमेशा हैप्लॉइड होती है, जिनको हम लिखते हैं अगुणित कोशिकाएं होती हैं। तो इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से मेगास्पोर बनते हैं मेगास्पोर मदर सेल से? तो इसमें जो मेगास्पोर मदर सेल है, जो न्यूसिलस होती है बीजांडकाय, ओव्यूल के स्ट्रक्चर में आपको बताया था न्यूसिलस के बाहर जो इसके अंदर की कोशिकाएं, नॉर्मली एपिडर्मल सेल होती है, किनारे की तरफ स्थित कोशिकाएं होती है, वो अन्य कोशिका से साइज में बड़ी हो जाती है और माइक्रोपाइल एंड की तरफ सामान्यतः स्थित होती है, जो कि मेगास्पोर मदर सेल का कार्य करती है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, स्टार्टिंग में शुरू शुरू में जो ये कोशिका है अन्य कोशिका से आकार में बड़ी होकर विभेदित हो जाती है, तो आर्चिस्पोरियल सेल भी कहलाती है। प्रसूतक कोशिका, तो नॉर्मली क्या होता है, या तो ये सीधे ही मेगास्पोर मदर सेल का कार्य करेगी या फिर ये जो एक कोशिका न्यूसिलस की अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाती है, जिसके अंदर जीव द्रव्य काफी डेंस होता है, स्पष्ट केंद्रक इनके अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसको हम क्लियरली बाकी कोशिकाओं से विभेदित या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये तो जो आर्चिस्पोरियल सेल बनती है, या तो ये डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल की तरह कार्य करती है या फिर मेगास्पोर मदर सेल आप कह सकते हो, या स्पोरोजेनस सेल कह सकते हो, बीजाणुजन कोशिका भी इसको हम कह सकते हैं, या फिर इसमें डिवीजन होगा, विभाजन होगा, तो क्या बनेगा, प्राइमरी पैराइटल सेल। जब विभाजन कौन सा, परिणत विभाजन होगा, इसके बारे में आपको बताया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के दौरान डेवलपमेंट में पेरिनुक्लियर डिवीजन क्या होता है, तो बाहर की तरफ बनेगी प्राइमरी पैराइटल सेल और अंदर की तरफ बनेगी प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। बीजाणुजन कोशिका, तो प्राइमरी जो भित्ति कोशिका होती हैं, इनसे तो वॉल लेयर का निर्माण होता है, भित्ति का निर्माण होता है। कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर जो प्राइमरी पैराइटल सेल बनती है वो अविभेदित रह जाती है, आगे उनमें विभाजन नहीं होता है, और कुछ कोशिकाओं में ये विभाजित होकर भित्तियों का निर्माण करती है। तो इसके आधार पर आप कह सकते हो जो वॉल बनती है दो तरह की भित्ति इनके अंदर बनती है, टेन्यूइन्यूसिलेट इसको हम कहते हैं तनु बीजांडकाय, और दूसरी बनती है क्रेसिन्यूसिलेट। स्थूल बीजांडकाय, नाम से पता चल रहा है क्या अंतर होगा। यदि आर्चिस्पोरियल सेल से जो भित्ति कोशिका बनती है वो आगे विभाजित नहीं होती है, तब तो तनु बीजांडकाय बनता है, जो न्यूसिलस होता है, सिंगल लेयर्ड होता है। यदि वो प्राइमरी पैराइटल सेल पुनः विभाजित होती है तो उससे भित्तियों का निर्माण होता है और इस तरह के ओव्यूल को हम कहते हैं क्रेसिन्यूसिलेट। तो बीजांड के अंदर अगर मेगास्पोर मदर सेल
बीजांडकाय की केवल एक कोशिकी मोटी परत से घिरा रहता है। इसमें क्या होगा? सिंगल लेयर, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियस। उसको तो हम कहेंगे तनु बीजांडकाय। और यदि कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती हैं जिसमें जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके चारों तरफ कोशिकाओं की बहुस्तरीय परत पाई जाती है, मल्टी लेयर्ड वॉल। तो इसको हम कहते हैं स्थूल बीजांडकाय या क्रेसी न्यूसिलेट। ठीक है, तो दो तरह के ओव्यूल बनते हैं। यदि जो न्यूसिलस है सिंगल लेयर्स, जो मेगास्पोर है वो न्यूसिलस के सिंगल लेयर से कवर है, टेनी न्यूसिलेट कहलाता है। और यदि भित्ति जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके चारों ओर कोशिकाओं की बहुस्तरीय परत पाई जाती है तो ऐसे बीजांड को स्थूल बीजांडकाय भी कहते हैं। और जो टेनी न्यूसिलेट होते हैं ये नॉर्मल यूनिटैग्मिक होते हैं सामान्यतः, एक अध्यावरणीय आपको बताया था। और जो क्रेसी न्यूसिलेट होते हैं ये सामान्यतः बाइटैग्मिक होते हैं, द्विअध्यावरणीय, द्विस्तरीय होते हैं। इसके बाद देखिए जो मेगास न्यूसिलस से एक सेल बड़ी हो गई और क्या बन गई? मेगास्पोर मदर सेल। अब इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस जब होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, मियोटिक डिवीजन होंगे दोनों फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होगा? एक कोशिका से चार कोशिकाएं बन जाएंगी। एट दिस स्टेज न्यूसिलस इज कंज्यूम्ड और रिमेन एज अ थिन लेयर विच इज नोन एज पेरिस्पर्म। और मियोटिक डिवीजन के पश्चात क्या होगा? इसके अंदर चार मेगास्पोर बन जाएंगे, चार न्यूक्लियस बन जाएंगे, चार कोशिकाएं बन जाएंगी, चार मेगास्पोर्स आर फॉर्म। और ये मेगास्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, अगुणित होंगे। हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन जाते हैं। पहले दो कोशिकाएं बनती हैं, पहला डिवीजन अनुप्रस्थ होता है, दो डाइट सेल बनती हैं, फिर सेकंड डिवीजन होता है, उसके पश्चात चार जो सेल बनती हैं चारों लीनियरली अरेंज हो जाती हैं, रेखित क्रम में व्यवस्थित होती हैं। तो नॉर्मली इसमें जो स्पोर्स हैं मेगास्पोर चार बनते हैं वो चारों लीनियरली अरेंज होते हैं। अब ये जो चार मेगास्पोर बनते हैं उसमें चार मेगास्पोर में से तीन मेगास्पोर कहां के? टूवर्ड माइक्रोपाइलर एंड, बीजांड द्वार की तरफ के। ये जो बीजांड द्वार आप देख रहे हैं, माइक्रोपाइल को हम कहते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार की तरफ के तीन मेगास्पोर नष्ट हो जाते हैं एंड ओनली वन मेगास्पोर, एक मेगास्पोर इज फंक्शनल, क्रियाशील रहता है टूवर्ड कैलाजेलेट, निभाग जो स्तर होता है। तो ये तो हो गया एक फंक्शनल मेगास्पोर टूवर्ड कैलाजेलेट। और जो थ्री डीजनरेटिंग मेगास्पोर्स हैं ये किधर हैं? टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। और दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो बिल्कुल सिंपल कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के पश्चात मेगास्पोर बनने की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण न्यूसिलस की एक कोशिका के द्वारा होता है। ये एक कोशिका आकार में अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है, इसमें कोशिका द्रव्य इसका डेंस हो जाता है, न्यूक्लियस बहुत क्लियर हो जाता है, तो इसको हम बाकी कोशिकाओं से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ये जो कोशिका है वो सीधे ही मेगास्पोर मदर सेल का कार्य कर सकती है या फिर आर्किस्पोरियल सेल कहलाती है, जिसमें परिणत विभाजन के पश्चात दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है, पेराइटल प्राइमरी भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। यदि प्राथमिक भित्ति कोशिका पुनः विभाजित नहीं होती है तो जो ओव्यूल बनता है वो टेनी न्यूसिलेट प्रकार का होता है, जिसको यूनिटैग्मिक प्रकार का ओव्यूल बनता है, एक अध्यावरणीय। यदि प्राइमरी भित्ति कोशिका पुनः विभाजित होती है और बहुस्तरीय भित्ति का निर्माण करती है तो ऐसे ओव्यूल को कहते हैं क्रेसी न्यूसिलेट या स्थूल बीजांडकाय, जो कि बाइटैग्मिक प्रकार का ओव्यूल कहलाता है, द्वि अध्यावरणीय। अब इस एक मेगास्पोर मदर सेल में और ज्यादातर फैमिलीज के अंदर ये जो सेल डिफरेंशिएट होती है, विभेदित होती है, वो सीधे ही मेगास्पोर
मदर सेल का कार्य करती, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का काम करती है। तो इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड होते हैं, पहले दो कोशिकाएं बनती है, फर्स्ट डिवीजन के पश्चात फिर दो कोशिकाएं बनती, फिर दो से चार सेल्स बनती हैं और ये चारों सेल एक रेखीय क्रम में लीनियरली अरेंज हो जाती हैं। चार मेगास्पोर बनते हैं जो कि अगुणित कोशिकाओं के रूप में होते हैं। इसके पश्चात जो चार मेगास्पोर बन रहे हैं उनमें से तीन मेगास्पोर जो कैलाजल एंड की तरफ के होते हैं, निभाग भाग की तरफ होते हैं, वो नष्ट हो, निभाग भाग की तरफ जो तीन एक मेगास्पोर है वो क्रियाशील रहता है और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो तीन मेगास्पोर है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। और यहाँ पर जो मेगास्पोर बनता है इसमें आप इसको कह सकते हैं जो मेगास्पोर बना है वो इस डिप्लॉइड स्टेज की द्विगुणित पीढ़ी जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक उसकी अंतिम कोशिका कह सकते हैं, क्योंकि यहां से लाइफ साइकिल के अंदर हैप्लॉइड स्टेज प्रारंभ होती है और जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसे हम मदर सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं जो आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है।